नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रोन। हमने अभी तक क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो वो, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। सर्कल में जब पार्टिकल घूमेगा पॉजिटिव चार्ज, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी बाई बी क्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टू पाई एम बाई बी क्यू। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज बी क्यू बाई टू पाई एम। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डिवाइस बनाई गई, एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है साइक्लोट्रोन। साइक्लोट्रोन पहले थ्योरी में सीबीएसई में आया करता था, लास्ट ईयर से कट गया, तो ये थ्योरी वाइज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल देखना है इसका। न्यूमेरिकल के लिए मेरे को थोड़ा ब्रीफली बताना पड़ेगा ये है क्या। साइक्लोट्रोन एक ऐसी मशीन है जो क्या करेगी, साइक्लोट्रोन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम में आएगी। तो आप कहोगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही क्यों, उसका आंसर मैं थोड़ी देर में अभी दूंगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा पाता। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा, एक्सेलरेट करवाने का मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करवाएगा। तो किसी ने बोला सर ये तो बहुत आसान है, ये तो वैसे भी हमें आता है, कैसे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप क्यू ले लो, क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी क्यू ई, और फोर्स से एक्सेलरेशन जनरेट होगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बात खत्म हो गई। या ऐसा कर दो आप एक क्यू ले लो और आप पोटेंशियल दे दो वी, तो आपने एनर्जी दे दी हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से क्या प्रोड्यूस हो गई, वेलोसिटी, बात खत्म। और तुम पीछे से पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, आपकी आगे से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये भी तो वही काम कर रहा है, तो इतनी बड़ी मशीन लगाने की जरूरत क्या थी। तो आंसर ये है कि आपको वेलोसिटी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अक्वायर करवानी है, कितनी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट जितनी तो हो नहीं सकती, लेकिन जैसे 3 × 10⁷, 8 तो नहीं बोलूंगा, 3 × 10⁷। अब इतनी वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा। आपकी ऐसी दुनिया में कोई बैटरी नहीं है जो इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे, कोई ऐसी मशीन नहीं है इतना हाई पोटेंशियल जनरेट कर दे कि वो स्पीड किसी भी चार्ज पार्टिकल की लाइट को अप्रोच कराना शुरू कर दे। ठीक है, थोड़ी बहुत ही वेलोसिटी बढ़ती है नॉर्मल मशीन से, पर इतनी भी नहीं बढ़ती कि लाइट की स्पीड को अप्रोच करना शुरू कर दे। उसके लिए स्पेशल डिवाइस बनानी पड़ेगी जिसका नाम है साइक्लोट्रोन। तो ये छोटी मोटी स्पीड एक्वायर नहीं करवाएगा, ये 3 × 10⁷ तक स्पीड को लेके जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ तक इसका प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, देख रहे हो परपेंडिकुलर नीचे, ये दो डीज हैं, दो डी की शेप को डी बोलते हैं, दो डीज हैं, मेटल की है और अंदर से खाली है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल घूम सकता है, खाली है, सेमी सर्कल है। तो आप सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं और एक ऑसिलेटर लगा हुआ है। ऑसिलेटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। ऑसिलेटिंग का मतलब है जैसे इस डी को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, फिर राइट की तरफ है, फिर लेफ्ट की तरफ है, फिर राइट लेफ्ट करता रहता है, ऑसिलेट करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्यों करवाता है अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रख दिया, ऑसिलेटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इस पर फोर्स लगी, जब फोर्स लगी तो ये राइट की तरफ मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे था तो इसका पाथ क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड 90 की वजह से ये सर्कल में घूम गया। जैसे ये सर्कल कंप्लीट करके यहां पे आया, इसके पास कोई वेलोसिटी थी, ऑसिलेटर ने उल्टा कर दिया काम, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया और यहां माइनस प्लेट प्रोड्यूस कर दी। कब, जब ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसके यहां पर आ गया। अब सोचो चार्ज पार्टिकल के पास तो ऑलरेडी वेलोसिटी है और एकदम उसके सामने नेगेटिव चार्ज आ गया जिसने और फोर्स लगाई खींचते हुए, तो हुआ क्या, ये और फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस का फॉर्मूला होता क्या, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो घूमने का रेडियस भी बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, अब ये बड़े चक्कर में घूमना शुरू हो गया। जैसे ही पार्टिकल यहां पे आया, फिर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया और वेलोसिटी बढ़ गई और रेडियस बढ़ गया। ऐसे करते करते घूम घूम के वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के वो एक विंडो में से बाहर निकलता है और एक टारगेट को स्ट्राइक करेगा विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। अब ये टारगेट को न्यूक्लियस हो सकता है, जिसको हो सकता है बमबार्ड करके ब्रेक करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस ब्रेक करके,
बट पॉइंट ये है, घूम घूम के जगह मिल गई घूमने की उसे, सीधा जाएगा तो इतना स्पीड एक्वायर नहीं करवा पाएगा, तो घूम घूम के उसकी वेलोसिटी को क्या करवाते गए हम, इंक्रीज करवाते गए और उसको बाहर निकाल दिया। ये साइक्लोटोन का काम है, कोई इसकी वर्किंग आने वाली है नहीं, कुछ नहीं आएगा। मेन चीज़ सुन लो, इस पर क्या आएगी, पहला रूल, इस पर जो पहला रूल आएगा कि जब भी वो साइक्लोटोन का न्यूमेरिकल देगा, उसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे, तो रेडियस का फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल का क्या रहेगा, कि अगर मान लो कि कंप्लीट सर्कल में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी हम आज तक अप्लाई करते आए हैं, कोई चेंज इन फॉर्मूला नहीं। वो कहेगा एक चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल में कितनी देर में काटता है, पूरा चक्कर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा, 2πm/bq, सेम है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं साइक्लोट्रोन का। वो ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल में एक डी में कितना टाइम स्पेंड करता है सेमी सर्कल में, तो इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल कैपिटल टी में, तो आधा सर्कल T/2 में, ठीक, सेम फॉर्मूला। फिर वो कहेगा एक चार्ज पार्टिकल जब ऐसे घूम रहे तो कौन घुमा रहे हैं, ऑसिलेटर घुमा रहे हैं। ऑसिलेटर कर क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो पहले मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो उस टाइम उस दौरान चार्ज पार्टिकल ने सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हो गया तो आधा सेमी सर्कल और कंप्लीट कर लिया, और जैसे ही कंप्लीट किया उसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हो गया। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड क्या है, ऑसिलेटर की जो मशीन है इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से राइट की तरफ कब लेके आता है, क्योंकि शुरुआत ये राइट पे करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है फिर लेफ्ट फिर राइट, इसे बोलते हैं, इस समय को बोलते हैं एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर वो टाइम है जितनी देर में एक चार्ज पार्टिकल पूरा चक्कर काट लेते हैं सर्कल का, और वो टाइम पीरियड होता क्या है, 2πm/bq। तो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी वही है, 2πm/bq। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बस इतना सा काम है, उससे कुछ नहीं करना हमने। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं घुमा पाता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मास होता है बहुत हल्का होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का है प्रोटॉन के मुकाबले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गोल गोल घूमते हैं, तो ये ना कुछ ज़्यादा ही स्पीड एक्वायर कर लेते हैं, ये इतनी स्पीड एक्वायर कर लेते हैं, इतनी स्पीड एक्वायर कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होता है, आइंस्टाइन की थ्योरी है कि जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसका मास बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये टर्म बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ेगी, डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो मास बढ़ेगा, तो मास की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्मली मास कॉन्स्टेंट है, पर अगर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करते हैं पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है। अब पार्टिकल को घूमना कैसे है, पार्टिकल को ऐसे घूमना है, एक सेमी सर्कल में घूमना है। उस टाइम ऑसिलेटर को सिखा रखा है हमने, ऑसिलेटर को यह बता रखा है कि तूने अपना टाइम पीरियड क्या रखना है, 2πm/bq रखना है। और सेमी सर्कल के अंदर जब कोई पार्टिकल घूम रहे तो वो कितने समय में घूमता है, πm/bq में घूमता है। तो इस इतने टाइम में ऑसिलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मास बढ़ गया तो ये सेमी सर्कल में घूमने का समय बढ़ गया। अब ये बात ऑसिलेटर को पता नहीं होती, वो तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देगा, और जबकि चार्ज पार्टिकल जैसे मिड पॉइंट में आता है सेमी सर्कल के, खत्म करता है, उसी टाइम ऑसिलेटर को सिंक्रोनाइज होना है और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है, तो सारी सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गई, क्योंकि आपके चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उसने समय ले लिया डी के अंदर घूमने में, और उतनी देर में गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो गया, जिस वजह से आपका चार्ज पार्टिकल कहीं घूम जाएगा डी के अंदर और वो बाहर कभी निकल नहीं पाएगा। इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही घुमा पाता है, नेगेटिव को घुमा नहीं पाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रोन का। हमने बस इतना ही सीखने और कुछ करना नहीं है, कोई आपने आज के बाद थ्योरी पढ़नी नहीं है इसकी, आपने अब सीधा न्यूमेरिकल पे आना है, और न्यूमेरिकल में ड्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रोन। तो जो ड्यूट्रॉन्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट हैज एन ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी ऑफ, तो ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, ऑसिलेटर की। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने भी किया था, bq/2πm। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल का क्या होता है, 2πm/bq, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो
तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि साइक्लोट्रोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, डी का रेडियस आर भी गिवन है, क्या निकालना है, बी निकालना है, क्या होगा? देखो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको चार्ज पता है ड्यूट्रॉन का, आपको मास पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बी की वैल्यू का क्या करना है इसमें, तो यहाँ से सॉल्व करके बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तुम टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला लगाओ 2πm/bq और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लगा लो, रेसिप्रोकल लगा के आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करके आंसर आ जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन तो सिर्फ नाम का ही है, अंदर फॉर्मूले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ही लगने हैं सारे। ये क्यों करवाया जा रहा है बता देता हूँ, CBSE में साइक्लोट्रॉन नहीं आता, बंद हो गया। मेंस और नीट के अंदर देख लेना, आपको साइक्लोट्रॉन नाम के क्वेश्चन दिख सकते हैं, पुराने पेपर में दिखेंगे। और अगर वो साइक्लोट्रॉन ना बोले, वैसे बोल दे इन अ गिवन मशीन, तो तुम क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। वो तो कह रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल न्यूमेरिकल है, साइक्लोट्रॉन तो नाम ही है, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला तो वही है, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर आप चार न्यूमेरिकल कर ही लो। तो ये पहला न्यूमेरिकल है। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन में जब घूम घूम के वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से जब पार्टिकल बाहर निकलता है, वो आखिरी चक्कर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी कम, ज़्यादा, 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 तो जब बाहर निकल रहे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है तो एनर्जी भी मैक्सिमम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है जब पार्टिकल निकल रहे, वो वैल्यू होगी क्या, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर होगा। और रेडियस की वैल्यू क्या होती है, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। तो अगर आपकी वेलोसिटी मैक्स है तो आपका रेडियस भी मैक्स है, क्योंकि आखिरी चक्कर में ऐसा होने वाला है। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाई मास एम। तो तुम यहां पुट कर लो तो हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स की जगह बी क्यू आर मैक्स डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो तुम्हारा अगला न्यूमेरिकल यही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे कि पार्टिकल बाहर निकल रहे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल बाहर निकल रहे उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, और वी मैक्स रेडियस से निकलेगा। तुम चाहो तो ये नोट कर सकते हो, इस सॉल्यूशन के साथ ये फॉर्मूले को नोट कर लें। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, और जिसमें वी मैक्स की वैल्यू लें, उस वी मैक्स को आप यहाँ पर पुट करें और आपका आंसर आएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इसमें वी मैक्स निकालेंगे और आप यहां हाफ एम वी मैक्स में वी मैक्स की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो आज के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, यहां तक? और आपके इस क्वेश्चन के अंदर यही तो गिवन है, आपको ये बताना है कि जब वो विंडो में से बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये होगी। तो इसमें आपको मास पता है, बी पता है, चार्ज पता है, आर मैक्स पता है और एम पता है। डी का रेडियस ही आर मैक्स है, क्योंकि आखिरी रेडियस डी का रेडियस ही माना जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, एक साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको गिवन है और प्रोटॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। How rapidly should electric field between the D's be reversed? तो how rapidly का मतलब कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होगा, और ये रिवर्स कौन करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कौन करेगा, ऑसिलेटर करेगा, क्योंकि ऑसिलेटर का काम था इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना। और how rapidly का मतलब है एक सेकेंड में कितनी बार करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आपको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ऑसिलेटरी की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, सीधा लिख लो, ये बहुत लंबा सॉल्यूशन है। तो इसमें सिंपली ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि बी क्यू डिवाइडेड बाई 2πm, बस आंसर। तो हाउ रेपिडली का मतलब है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, एक सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। कोई डाउट इसमें? ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है,
ऑसिलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां से स्टार्ट किया यहां होके वापस आया, वो टाइम पीरियड है उसका पूरा ऐसे होना। तो ये तो आपका एक एक स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, तो टू टी हो गया ना, टू टी तो कैपिटल टी होता है ऐसे है। और इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मतलब इतना सफिशियंट है, इतना करना साइक्लोटोन, ज्यादा टाइम नहीं लगाना साइक्लोटोन पे। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी 20 किलो वोल्ट, तो आपने इतने वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर दी। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय प्रोटोन इन अ साइक्लोटोन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब प्रोटोन कितने चक्कर काटेगा, जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी टू अचीव 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी सी बाय फाइव। तो जब स्पीड सी बाय फाइव है तो उसका कौन सा चक्कर होगा ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ लो। जब आप एक प्रोटोन को, प्रोटोन का चार्ज क्या है ई, आप जब वी पोटेंशियल देते हैं कौन देता है, ऑसिलेटर देता है, तो जब वो वी पोटेंशियल देता है तो आपका प्रोटोन सेमी सर्कल में घूमता है, और अगर आप ट्वाइस एक बार और देते हो तो वो पूरे सर्कल में घूमता है। तो एक चक्कर घुमाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, टू इंटू ई इंटू वी, एक आधा चक्कर ई इंटू वी और पूरा चक्कर टू इंटू ई इंटू वी, सेमी सर्कल ई इंटू वी, क्योंकि ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, फिर से भी अप्लाई करता है, फिर एनर्जी देता है, तो दो बार देता है, तो टू इंटू ई इंटू वी एनर्जी से वो एक चक्कर काटता है। आप मान लो उसने nth चक्कर काटा जब वेलोसिटी c बाय फाइव हो गई, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ी आपको, एक चक्कर की एनर्जी टू इंटू ई इंटू वी, कितने चक्कर काटे n, और ये एनर्जी से काइनेटिक एक्वायर होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके n निकालना चाहते हैं और वेलोसिटी की जगह c बाय फाइव आंसर, तो वेलोसिटी c बाय फाइव पुट करते हैं।